एडिशंस कर लिए, मल्टीप्लिकेशंस कर लिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन कि डिवीजन यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है 25 आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस पर बेस्ड मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है. लुक ऑफ द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ कुछ एक ऑब्जेक्ट है स्टार, आपको स्टार्स दिख रहे हैं और उस पर बेस्ड ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है. आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनके आंसर्स लिखने हैं. तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन ऑल, यानी कि आपके जो स्टार्स हैं वो कितने हैं. तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्स को काउंट करोगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कितने स्टार्स हैं यहाँ, 12 स्टार्स. तो हम यहाँ लिख देंगे, देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 12. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन ईच ग्रुप, यानी कि हर ग्रुप में कितने स्टार्स हैं. तो देखिए ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका एक ग्रुप है, उस तरह से हर ग्रुप में कितने कितने स्टार्स हैं. देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर ग्रुप में 2 स्टार्स है, यानी कि कितने स्टार्स है, 2. हमने यहाँ लिख लिया 2, यानी कि ईच ग्रुप में कितने स्टार्स है, 2 स्टार्स. अब है आपका क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मैनी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. अब यहाँ ये पूछा है, यहाँ ग्रुप्स जो है वो 2-2 के हैं, वो कितने ग्रुप्स हैं. अभी तो यहाँ छोटा सा एक एग्जाम्पल है, इसलिए आप फाइंड आउट काउंट करके भी निकाल सकते हो. लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ये देखिए आपके जो टोटल नंबर होगा उसमें आपके जो एक ग्रुप में नंबर होगा, एक ग्रुप का जो नंबर होगा उस नंबर से आपको टोटल जो आपका नंबर है उसमें डिवाइड करना है. तो देखिए ये आप एक रफ कॉलम ड्रॉ किया है मैंने, आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है. तो आपका टोटल नंबर कितना है यहाँ, देखिए स्टार्स कितने हैं टोटल, 12 स्टार्स. आपको डिवाइड करना है किस नंबर से, ये देख लीजिए एक ग्रुप में कितने स्टार्स हैं, 2, यानी कि हमें कितने से डिवाइड करना है, 2 से. तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि जो हमारे पास टोटल स्टार्स यानी कि जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं. तो देखिए 2 से आपको इस तरह से डिवाइड, यानी इस तरह से 2 का टेबल पढ़ना है जो 12 से आगे नहीं जाना चाहिए. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10 and 2 sixes are 12. यानी कि 2 के टेबल में 6 टाइम पर आपका आता है 12. देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 0 then 0. यानी कि कितने ग्रुप्स हैं आपके, 6 ग्रुप्स हैं. अभी आप देखिए काउंट करके भी देख सकते हैं, अभी क्योंकि यह ऑब्जेक्ट कम है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखिए 6 आया, हमारा आंसर भी 6 था. तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना है, 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टूज आर देयर इन 12, यानी कि 12 में कितने टूज आते हैं. तो देखिए अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था 12 में कितने टूज, यानी कितने टाइम्स पर 2 आता है, 6 टाइम. 12 में 2 6 टाइम आता है, 2 ones are 2, जैसे कि अभी हमने टेबल किया ही है. तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो है वो 6 हो जाएगा. अभी इस तरह से आता है 12 में 3s कितने होते हैं, तो देखिए 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12. हमने यह टेबल करके किया है 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 थ्रीज आते हैं, है ना. और हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं इस तरह से, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 fours are 12. तो यहाँ पर भी आपका कितना आया, 4 आया, है ना. इसी तरह हमारा यहाँ कितना आया, 6 आया. अब आपका क्वेश्चन नंबर है ई, देखिए 12 को यहाँ 2 से डिवाइड किया गया, ये जो आपको साइन दिख रहा है ये डिवाइड का साइन है. तो 2 से भी हमने 12 को डिवाइड किया है ना यहाँ, तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर, हमारा 6 आ रहा है. तो हमारा यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है. आपकी बुक में देखिए इसी तरह से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 जो है
आपको अपनी अपनी बुक में ही एक्सरसाइज 25 में करने हैं। ओके, ना अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिवाइड यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे करते हैं हम डिवाइड को? देखिए, जिस नंबर में आपको डिवाइड देना है, सबसे पहले आप उस नंबर को लिख लीजिए। हमें यहाँ देखिए 9 में डिवाइड देना है, किस नंबर से देना है? 3 से देना है। 9 में देना है इसलिए हमने 9 लिख लिया। 3 से इसके नीचे हम 3 लिख लेंगे। अब जबकि हमें पता है कि हमें सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है, तो हम यहाँ लगाएंगे सब्ट्रैक्शन का साइन। ठीक है, अब देखिए एक सब्ट्रैक्शन की तरह ही करना है इसको। हम 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको सब्ट्रैक्शन तो आते हैं, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। ये देखिए, आप यहाँ पर 3 को 9 में से फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा स्टेप 1। ओके, हमें बार बार उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जिस नंबर से हमें इस नंबर में डिवाइड देना है। अभी हमारा आया 6, अभी हमारा 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? अब हम फिर से 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को 6 में से। देखिए, हमने फिर से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। अब 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यह हमने फर्स्ट टाइम 3 को सब्ट्रैक्ट किया था, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। या हम 3 को सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप। अब देखिए, अभी भी आपका 0 नहीं आया, अब हम क्या करेंगे? 3 में से 3 को फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, ये हमने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। अब 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 0। अब यहाँ 3 को हमने थर्ड टाइम सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया आपका स्टेप 3। तो आपने ये देखा, 9 को 3 से डिवाइड जब हम करेंगे, तो आप यहाँ डिवीजन मेथड से भी एक बार करके देख लीजिए। यहाँ हमारा जो स्टेप है वो 3 स्टेप्स में हमारा सम कंप्लीट हो रहा है। देखिए, आप नीचे से पढ़ेंगे तो एक तरह से टेबल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, और आपका आंसर 0 आ रहा है। कितने स्टेप्स में आ रहा है? 3 स्टेप्स में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप यहाँ डिवीजन मेथड से भी एक बार करके देख लीजिए। 9 में डिवाइड करना है इसलिए हमने 9 लिखा, और किस नंबर से डिवाइड करना है? 3 से, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। तो देखिए, 3 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है जो 9 से आगे ना जाए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। देखिए, 3 टाइम्स पर आपका 9 आ गया। तो यहाँ हमारा आंसर जो है वो कितना आया? 3। और यहाँ भी हमारा आंसर जो हमने सब्ट्रैक्शन मेथड से किया था, वहाँ भी कितना आया? 3 आया। तो ये होता है आपका सब्ट्रैक्शन मेथड। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार हम इसी तरह से करके देखते हैं। यहाँ हमें किस नंबर में किस नंबर से डिवाइड करना है? यहाँ हमें 24 में 6 से डिवाइड करना है। तो सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है, तो क्या करेंगे? जिस नंबर में हमें डिवाइड देना है, पहले उस नंबर को लिख लीजिए, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम, हमें उस नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना है जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। हम देखिए, 6 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। हमने वंस की वैल्यू के नीचे 6 लिख लिया, और यहाँ लगा दिया हमने सब्ट्रैक्शन का साइन। अब देखिए, 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 बोरो लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 14, और यहाँ कितना रह जाएगा? 1। अब 14 में से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 14 में से 6 को? 8 आएगा, और यहाँ कितना रह गया? 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अभी हमने 6 को यहाँ फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपका हो गया स्टेप 1। अब हम 18 में से 6 को फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हमें लास्ट तक हमें लेकर जाना है, जब तक हमारे 0 नहीं आ जाते। तो हमने यहाँ लिख लिया 6। ठीक है, हमें वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है बार बार जिस नंबर से हमें डिवाइड देना है। आपको नंबर चेंज नहीं करना है। आपके कौन से नंबर चेंज होंगे? जो आपके नंबर सब्ट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। अब देखिए, हमने फिर से माइनस का साइन लगाया। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना, कितना आएगा यहाँ पर? 2। और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए यह आ जाएगा 1। अब हमने यह 6 को सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया आपका स्टेप 2।
अब 12 में से फिर से 6 को सबट्रैक्ट कीजिए, तो देखिए 2 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ बोरो हो गया, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 0। अब 12 में से 6 को सबट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया आपका 0। अभी हमने यहाँ 6 को थर्ड टाइम सबट्रैक्ट किया तो ये हो गया आपका स्टेप 3। अब देखिए यहाँ भी हमारा, हमें 0 चाहिए, अभी हमारा सिंगल 0 है, अभी इस नंबर को भी 0 करना है, तो हम फिर से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से। देखिए 6 में से 6 सबट्रैक्ट किया 0, और यहाँ तो ऑलरेडी 0 है ही, ये हो गया आपका स्टेप 4। देखिए 4 स्टेप्स करने के बाद हमारा आंसर जो है लास्ट में कितना आया, 0 आया। कितने स्टेप्स हुए, 4, यानी 6 से 24 को डिवाइड करने में कितना आएगा, 4। आप अभी यहाँ पर देखिए डिवीजन मेथड से भी करके देख लीजिए, 24 में डिवाइड करना है और किससे करना है, 6 से, यानी कि 6 का टेबल हमें ऐसे रीड करना है जो 24 से आगे ना जाए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24। देखिए यहाँ पर भी 4 टाइम्स जा रहा है तो आपका आंसर आ गया 4। देखिए यहाँ पर भी हमारा आंसर आया 4। तो देखिए ये होता है आपका सबट्रैक्शन मेथड। तो इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चन नंबर है 5 से लेकर 16 तक, एक्सरसाइज 25 का, तो जो आपको अपने नोटबुक में इसी तरह से प्रॉपर करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टिल देन बाय बाय।